हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। वी नो दैट हमने बहुत दिन से कोई व्लॉग नहीं डाला है, बट आज का व्लॉग कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होने वाला है। तो आइए, चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाएंगे कि क्या स्पेशल है आज के व्लॉग में। या वी आर रियली एक्साइटेड। हम लोग अभी कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको दिखाएंगे बाहर जाते हुए भी, एंड देन क्या स्पेशल है वो भी दिखाएंगे। सो आज बाहर हमारा स्नोफॉल भी था पर हल्की हल्की स्नो पड़ी हुई है। हम आपको स्नो भी दिखाएंगे क्योंकि अभी स्नो सीजन आ चुका है। यस, सो विंटर इज हियर। या सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो हमारा पहला स्टॉप है कॉस्को गैस स्टेशन। तो पहले हम गैस भराएंगे गाड़ी में, और जैसा कि आप बाहर देख सकते हैं वेदर एकदम मनुष्य टाइप हो रहा है क्योंकि कल स्नो स्टॉर्म आने वाला है और आज भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, एक -5 -7 डिग्रीज। तो आप देख सकते हैं कैसा बंजर टाइप लग रहा है बाहर पूरा, और इसी बंजर में ये बेचारे लोग काम कर रहे हैं इतनी ठंड में। चाहे तो लोग अपने आप से कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ। सेल्फ सर्विसेज पेट्रोल, बट अभी यहाँ पे सेल्फ सर्विस भी आ गया है जो कि नया है यहाँ के लोग के लिए। तो बहुत लोगों को पता भी नहीं गैस कैसे भरते हैं यहाँ पे, जो पुराने लोग हैं उन लोगों को पता भी नहीं कैसे भरा जाता है। तो आइए, चलिए हम लोग पहले गैस भराते हैं और फिर आपको रास्ता दिखाएंगे, एंड देन वेट फॉर द बिग सरप्राइज इन दिस वीडियो। आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय बाय। हे गाइस, तो अभी हम घर आ चुके हैं और हमने सरप्राइज को भी हमारे साथ घर लेके हम आए हैं, और हम बाहर ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि वेदर बहुत ही ख़राब था, बहुत ही ठंडा था। आप जैसे देख सकते हैं हम लोग एकदम मोटा मोटा जैकेट पहन के गए थे। तो हमने रोड का थोड़ा रिकॉर्ड किया, वो मैंने ऑलरेडी डाल दिया इससे पहले, एंड फिर हम एक शॉप में रुके थे, वहाँ से हमने ये सब शॉपिंग की। तो आपको ये सब देख के थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही रहा होगा क्या है सरप्राइज। तो आइए, चलिए मिलते हैं अभी अपने सरप्राइज से। And Janvi is really excited for that. Yeah. Oh. So let's go. हमने आते साथ उसको भगवान जी के पास रख दिया है और अभी उसका पूजा भी करेंगे। 1, 2, 3, 4. Yay! For the lack of better light, light better नहीं है। ये बेचारा सो रहा है। तो सरप्राइज यही है कि हमने एक डॉग लिया है। चॉकलेट कलर का लैब्राडोर है ये, एंड अब ये 1.5 महीने का ही है। ये तो प्यार से सो रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी आइए इसका करते हैं पूजा, इसका घर में ऑफिशियली स्वागत करते हैं। तो पूजा का पहले थाली प्रिपेयर करता हूँ मैं, एंड फिर आपसे मिलते हैं। Let's do it. Yeah. तो अभी करते हैं इसका टीका, बेचारा देखिए नहीं रहा, आरती। ब्लैक में ब्राउन दिख रहा है क्या वो? दिख रहा है। हाँ। थोड़ा लाइट में आते हैं। दिख रहा है। यस। चल छोटा सा एकदम क्यूट सा है। अभी इसका पिराना मोड अटैक स्टार्ट हो से पहले काम कर लेते हैं। हाँ। तो अभी हम गेट से बाहर जाते हैं। फिर वापस आना है? हाँ, गेट पे ही होगा ना। गेट स्टार्ट ही कर ले। बट ठंडा बहुत है, काम करते आरती के थाली ले लिया है, एंटी का ले लिया है इसके लिए। I can hold it for you. तुम तो दोनों चीज़ के तुम डॉग कैसे हो? So ये welcome, क्या दिख रहा है इसमें? रावल आरती का है। welcome कर रहा हूँ मैं इसे। ठीक है ना? Welcome. अरे 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 थोड़ा सा ओके सर, एक सेकंड स्टेबल नहीं है। ओके ठीक है, आग के ऊपर लगा, हटाना होगा। हट जाएगा। हाँ ओके ओके, इसको आरती दे दो। चलो ठीक है, ओके चलो हम साइड कर देते हैं। अब इनको हम नीचे छोड़े। हाँ सबको ऊपर साइड कर दो। डालो चप्पल फुल साइड करके रखना होगा।
अच्छा हो गया, क्या हो गया? अच्छा चलो कीको, कीको हमने इसका नाम रखा है कीको। आई थिंक ये टेंपरेरी नेम है या परमानेंट है, वी डोंट नो, विल नो, विल गेट टू नो दैट। कुछ तो मेरा पैर के साथ करना चाह रहा है। ओके आपसे अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तो ये होपफुली आप लोगों को हमारा सरप्राइज अच्छा लगा हो। मालिक करंट लग जाएगा मालिक। अरे इस वीडियो में हम फर्दर आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ यूएस में डॉग ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है ये डॉग लेने का। तो फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे लेंगे। हेलो हेलो हेलो, बेचारे का टीका लग गया है जो हम साफ कर देंगे आराम से। तो ये है हमारा कीको। गाइस वेलकम बैक। सो अभी नेक्स्ट डे दोपहर के 3 बज चुके हैं और काफ़ी इवेंटफुल रहा हमारा कल से अभी तक का टाइम। सो सबसे पहले तो आज यहाँ पे वेदर बहुत ही ख़राब हो रहा है। आपको पहले वेदर दिखाते हैं बाहर। पीक विंटर आया हुआ है एंड फुल स्नो, बालकनी में पूरा स्नो भर गया है, बाहर पूरा स्नो है, -10 डिग्री सेल्सियस ऐसा कुछ है। फील्स लाइक इवन उससे भी ज़्यादा ख़राब है। बहुत ठंडा हो रहा है। एंड कीको का हाल तो ठीक है अभी तक। उसने काफ़ी रात में तंग तो किया, 3-4 बार हम लोग उठे थे उसको। थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा था, प्रॉब्लम काइंग कर रहा था वो, तो फिर हम उठे थे उसको, थोड़ा सा प्यार व्यार किया तो फिर सोया फाइनली। एंड अभी ये टाइम पास कर रहे हैं और काफ़ी इवेंटफुल भी रहा वो। उसने कारपेट के ऊपर पॉटी वगैरह सब किया है। अभी ये चप्पल के साथ खेल रहा है, इसको आदत है चप्पल के साथ खेलने का, तो चप्पल के ऊपर सोता है। एंड चप्पल से अभी तो पैर चाट रहा है, पर चप्पल के ऊपर ही सोएगा, चप्पल में से खेलेगा, काट रहा है चप्पल को। तो ये है कुछ ऐसा दिख रहा है, आराम कर रही है। तो जब हम कल इसको लेने गए थे तो इसके साथ हमें इसका डॉक्यूमेंट्स भी पूरा मिला था कि क्या इसके पेरेंट्स का कैसा ब्रीड है, लाइक डॉग रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट्स मिला था, न्यू ओनर रजिस्ट्रेशन का, अमेरिकन केनल AKC से, कैनल क्लब से। तो ये था उसका डॉक्यूमेंट्स। एंड देन जो ब्रीडर्स हमने ख़रीदा उन्होंने ये सब भर के कॉन्ट्रैक्ट देते हैं यहाँ पे, कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये रहता है कि आप इसको दोबारा ब्रीडिंग वगैरह नहीं करवा सकते हैं। तो AKC दो तरह का रजिस्ट्रेशन होता है, एक हाफ रजिस्ट्रेशन होता है और लिमिटेड रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, और एक फुल रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये वाला ब्रीडर जिनसे हमने ख़रीदा था, जिसका नाम है आई थिंक चेज इंटरनेशनल समथिंग, तो इन्होंने ये सिर्फ लिमिटेड रजिस्ट्रेशन के साथ ही बेचते हैं, और फुल रजिस्ट्रेशन वाले डॉग का दाम भी ज़्यादा रहता है। और जैसे लिमिटेड रजिस्ट्रेशन का हाफ प्राइस रहेगा और फुल का ज़्यादा रहेगा, तो फुल वाले से आप ब्रीडिंग करवा सकते हैं। तो इन्होंने लाइक ये सब इन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है, लिमिटेड रजिस्ट्रेशन किया है, एंड तो हम लोग बेसिकली इसे ब्रीडिंग नहीं करवा सकते, ऐसे भी नहीं करवाना है हमें, वो नहीं करवाना था। तो यहाँ पे आप जब भी डॉग लेते हैं तो आपको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बना के देता है टर्म्स ऑफ ओनरशिप, कि आप इसको खुले जगह में रखेंगे, कभी बंद करके केज में नहीं रखेंगे, एंड 24 मंथ्स तक लिमिटेड मूवमेंट करवाना है, लाइक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करवाना है। फिर इसको लाइक प्रॉपर डाइट मेंटेन करना है, वैक्सीन वगैरह देते रहना है, कभी अब्यूज़ और ये सब नहीं करना है, मिसट्रीट नहीं करना है। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉलो करेंगे तो डॉग को वापस देना पड़ता है, ये सब भी है। तो ये है थोड़ा प्रोसेस यहाँ पे, और हमें भी थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। बहुत सारे यहाँ पे लाइक फेक ब्रीडर टाइप भी रहते हैं जो आपसे डिपॉजिट ले लेंगे। हमने इसका डिपॉजिट नवंबर में ही दे दिया था, शायद इसमें लिखा भी होगा कब दिया था। हाँ नहीं, दिसंबर में दिया, 7 दिसंबर में दिया था हमने इसका डिपॉजिट $300, एंड उसके बाद $1200 हमने कल दिया इसको लाने के बाद, तो टोटल हमने $1500 का ये पड़ा। तो यही प्रोसेस होता है। आपको देखना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सही से लिखा हो, कॉन्ट्रैक्ट में आपको जो
चाहते हैं वो सब आप लिखवा सकते हैं। इसमें ये भी लिखा है कि अगर इसको कुछ इशू होता है तो 75% ऑफ द प्राइस का नदर पपी वो लोग देंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। सो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे बनवाना। तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद ये हो गया रजिस्ट्रेशन, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो इसके बाद इसके पेरेंट्स का भी ये लोग सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफाइड पर डिग्री इसके बोथ पेरेंट्स का, कि वो लोग का बर्थ कब हुआ था एंड थिंग्स लाइक दैट। सो ये भी है उसके साथ। एंड एक और चीज़ है इसके साथ वैक्सीन सर्टिफिकेट जो कि यहाँ पे है। तो ऐसा वैक्सीन सर्टिफिकेट इसको डिवॉर्मिंग सेफ गार्ड वार्मर कुछ ऑलरेडी पड़ चुका है बहुत सारा, और कितना वैक्सीन पड़ा है ये सब यहाँ पे, एक अभी तक पड़ा है और हमें नेक्स्ट मंथ और एक लेना है, 3 more sets लेना है, 3 more sets ऑफ शॉट्स एवरी 3 to 4 weeks। तो हम नेक्स्ट मंथ का अपॉइंटमेंट हमने ऑलरेडी ले लिया है तो इसको लेने के लिए। तो यहाँ पे वेटनरी बहुत सारे क्लिनिक्स होते हैं तो उसका भी प्रोसेस आपको बताएंगे। हमने ऑलरेडी कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लिया था उनसे, वेटनरी क्लिनिक से। तो या यही है, यही था हमारा सरप्राइज। देखते हैं अभी ये क्या कर रहे हैं। नहीं इधर तो नहीं है, इधर है। ओह ही इज हियर। सोफा में एक्चुअली हम लोग बैठाना नहीं चाह रहे इसको, तो इसका आधा हट अभी नहीं लगवाएंगे सोफा में, अभी बैठा हुआ है बस वीडियो के लिए। ऐसे आदत नहीं लगाएंगे सोफा में बैठने का, और हर चीज़ काटने का आदत है ऑब्वियसली, उसका टीथिंग दांत आ रहा है, दांत आ रहा है इसलिए राइट वो काटते हैं। सब चीज़ काटने का आदत है। तो सर, ये अभी EMI पे चलना है। इस साल हमारा बहुत सारा व्लॉग्स इसके ऊपर बेस्ड रहेगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ। होपफुली आप लोग को हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो जो कि एक सरप्राइज व्लॉग था एंड इस साल का पहला व्लॉग भी था। तो या हैप्पी न्यू ईयर एज वेल टू एवरीवन। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा व्लॉग तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड आगे भी इसका और भी व्लॉग्स आपको दिखाते रहेंगे हम लोग। सो या सी यू गाइस सून, बाय बाय।